कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी तक की जो मिलिटेंट्स की सूरत हाल है उसमें अब तक मिलिटेंट्स 106 जो है मार दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में लगातार मिलिटेंट्स की जो तादाद है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे जहाँ हम बात करेंगे मिलिटेंट्स के हवाले से, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो 2017 में स्टार्ट हुआ था, उसको देखते ही देखते अब तक 3 सालों में कम से कम 700 से ज़्यादा मिलिटेंट जो है वो मार दिए गए हैं। वहीं इस महीने में, इस साल में जहाँ हम बात करें तो 106 मिलिटेंट्स अब तक मार दिए गए हैं। वहीं जहाँ हम इस महीने की बात करें तो अब तक 35 से ज़्यादा मिलिटेंट जो है वो मार दिए गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर घाटी के जो यूथ है, जो कश्मीर घाटी के जो नौजवान है, वो मिलिटेंट्स का रास्ता क्यों अपना रहे हैं। आपको बता दें कि जब बुरहान वानी 2016 में मार दिया गया, उसके बाद ही कश्मीरियों में जो है मिलिटेंट्स का बुखार जो है वो ज़्यादा देखने को मिला और लगातार मिलिटेंसी जो है वो बढ़ती गई। जहाँ PhD स्कॉलर, वहीं PCOM, वहीं डॉक्टर और इंजीनियर जो है वो भी लगातार मिलिटेंसी के रुख हो गए और वहीं उन्होंने मिलिटेंसी जो है वो ज्वाइन की। उसके बाद जिस तरह से लगातार सरकार ने कोशिश की कि मिलिटेंसी को किस तरह से काबू किया जाए, और वहाँ सरकार ने कोशिश की कि जो मिलिटेंसी है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, और लगातार वो ऑपरेशन ऑल आउट पे जो है काम किया जा रहा है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में, जहाँ हम साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो साउथ कश्मीर में कम से कम 100 से ज़्यादा मिलिटेंट जो है वो मार दिए गए हैं। वो श्रीनगर में अब तक 2 एनकाउंटर हुए जिसमें अब तक 5 से 6 मिलिटेंट मार दिए गए हैं। जहां अब DGP ने बताया, जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के चीफ हैं उनका कहना है कि अब तक जम्मू कश्मीर में जो है 100 से 200 तक मिलिटेंट जो है वो एक्टिव है। उससे साफ जाहिर होता है कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है उसका कितना सक्सेसफुली सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब बनाया है। और जहां हम बात करें श्रीनगर में, तो श्रीनगर में पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स अभी तक मौजूद है। उसके बाद जहां साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो जहां हमने देखा कि आए दिन जो है छोटे यूथ जो है, चाहे हम स्कॉलर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, या जो वेल एजुकेटेड है, वो मिलिटेंट्स का रास्ता अपना लेते हैं। और सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि यहां पे जिस तरह का निज़ाम है और यहां पे जिस तरह की सियासत खेली गई है, उसकी वजह से जो यूथ है वो मिलिटेंट्स का रास्ता अपनाने पे मजबूर हो जाते हैं। और हमने देखा है कि लगातार जो मिलिटेंसी है वो कश्मीर घाटी में बढ़ती जा रही है। जहां 370 ख़त्म हुआ और उसके बाद ही सरकार ने कहा था कि कश्मीर घाटी में जो है मिलिटेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो साफ नज़र नहीं आ रही है कि जहां हमने देखा कि लगातार मिलिटेंट्स मार दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जहां सरकार ने वादे किए थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में अमन आएगा, अब सवाल ये है कि वो अमन कब आएगा। अभी भी यहाँ के लोग जो है वो अमन की तलाश में हैं। कैमरामैन शाकिर के साथ वाहिद पाठ, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर।